असलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपके लिए हम लेके आए हैं जी टेंडर का ब्रांड है, जो कि 5 किलोमीटर की जी रेंज देता है जी। CP इसका और मॉडल है जी O3, टेंडा O3। इसके अंदर जी बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं जी, और ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना 0.2 से 0.5 किलोमीटर बन जाता है। ये 12 वोल्ट 1 एम्पीयर के साथ आता है जी इसका POE। इसके अंदर जी 6000 वोल्ट लाइटनिंग प्रोटेक्शन भी दी गई है। कंपनी का ये मानना है कि जी बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर हमने प्रोटेक्शन दी गई है इसके अंदर, जो कि टावर से ऊपर बिजली गिरती है तो उसको ये जो है ना ग्राउंड में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अंदर जो 2 पोर्ट्स हैं वो 100 MBPS है, और 1 पोर्ट जो है इसकी POE वैन की है, और दोनों लैन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट के अंदर एक्सेस पॉइंट भी बन जाता है, सेंडर भी बन जाता है और रिसीवर भी बन जाता है। तो मज़ीद हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलेंगे अभी, और आपको बताएँगे कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो नाज़रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको इसका जो है ना ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ कि इसकी बॉडी शेप आप ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा है। इसके अंदर जी 2 LAN पोर्ट्स हैं, जिसमें से मैंने एक POE है, इसके अंदर मैंने POE लगा रखी है 12 वोल्ट 1 एम्पीयर, और दूसरी लैन आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी मकसद के लिए। इसका जो IP है, डिफ़ॉल्ट IP भी इसके बैग पर दिया हुआ है, 192.168.2.1 है। इसका यूज़र नेम पासवर्ड जो वो एडमिन है, और आप ये देख सकते हैं इसके लाइट का स्टेटस भी ये आ रहा है। इसके अंदर पहली पोर्ट जो है कि वो लैन भी है वैन भी है, तो इसका स्टेटस शो कर रहा है। बाकी LEDs जो है वो इसके सिग्नल की है, स्ट्रेंथ की हैं। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है, 5 किलोमीटर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट टू पॉइंट इसका जो है डायरेक्शनल जो है ना एंटीना है। 12 dBi जो है इसकी जो है स्ट्रेंथ है। चलें अब हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ, डिवाइस हमारी ऑन है, और मज़ीद इसमें क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देखते हैं। तो नाज़रीन, हम कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, अब हम जो है इसको पहले लैन की सेटिंग देख लेते हैं अपनी। तो नाज़रीन, ये हमने अपने कंप्यूटर के साथ इसको प्लग कर लिया है, और ये देखिए इसकी लैन स्पीड जो है वो 100 MBPS है। इसको स्टैटिक हम IP देते हैं नाज़रीन, 192.168.2.10.11 कर लें बेशक कोई बात नहीं, 192.168.2.1 स्टैटिकली हमने इसको IP दे दी है। देखिए 100 की पोर्ट आ गई हमारे गेट वे सिस्टम में, 192.168.2.1 है, इसको हम हिट कर लेते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, हमारे पास खुल गया है टेंडा O3। इसका यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट वो देखें शो भी कर रहा है सामने हमारी स्क्रीन की तरफ कि एडमिन ही है। हम इसमें एडमिन टाइप कर लेते हैं, एडमिन, और इसको लॉगिन कर लेते हैं, जो अपने लैंग्वेज अपनी है वो कर लें। तो इसका कुछ क्विक सेटअप आ गया जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है ये, और उसने अपना जो है क्विक सेटअप के अंदर हमें ऑप्शन दे दिए हैं कि अगर आप AP मोड पर चलाना चाहते हैं, यानी कि एक्सेस पॉइंट मोड पर चलाना चाहते हैं, तो आपके पास फर्स्ट सेटिंग है, फिर सेकंड सेटिंग इसकी है, क्लाइंट मोड पर चलाना चाहते हैं, अगर यूनिवर्सल रिपीटर बनाना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन भी इसमें मौजूद है, WISP मोड के ऊपर चलाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मौजूद है, और सिंपल रिपीटर मोड की ऑप्शन भी मौजूद है इसके अंदर, और पॉइंट टू पॉइंट अगर आप चलाना चाहते हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की ऑप्शन इसके अंदर भी मौजूद है, और अगर आप सिंपल इसका राउटर बनाना चाहते हैं एक्सेस पॉइंट, तो वो ऑप्शन भी मौजूद है इसमें। ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर जो है ना सॉफ्टवेयर के अंदर वैरायटी मौजूद है। अगर मैं ये कहूँ कि ये हर जगह इजीली फिट हो सकती है, किसी भी नेटवर्क एनवायरनमेंट में आप इसको इजीली फिट कर सकते हैं, आप इससे इंटरनेट ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो हम इसको अभी AP मोड के ऊपर ही चला लेते हैं, हम इसको WISP मोड पर चलाते हैं। AP मोड तो आपने देखा होगा पहले, हम इसको WISP मोड के ऊपर जो है ना वो इसको रन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, कुछ हमारे सिग्नल इसने कैच कर लिए हैं, क्योंकि ये 2.4 GHz है, तो 2.4 GHz की जो भी सिग्नल्स हैं वो हम शो कर लिए हैं। अब ये देखें कि जिस भी मैं SSID के ऊपर आ रहा हूँ तो वो उसकी कितने DBm आ रहे, स्ट्रेंथ आ रही है वो हमें बताना शुरू हो गया है। तो मैं जो है ये LabNet 2G के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ, थोड़े इसके DBm थोड़े ज़्यादा दूर हैं क्योंकि इसका पासवर्ड भी मुझे पता है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो चैनल की कैटेगरी आ रही है इसकी, तो चैनल हम इसको उसने खुद ही सिलेक्ट किया है, जो कि आपका पीछे चल रहा होगा राउटर, जो उसके चैनल सिस्टम चल रहे होंगे वही आगे ऑटोमेटिकली उठा लेता है। तो इसमें हम इसका पासवर्ड ऐड कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट कर देते हैं जी। अगर हम स्टैटिकली IP सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर हम इसको PPO PPO पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि WISP हमने मोड सेलेक्ट किया है, लेकिन हम इसको डायनेमिक पे ही चलाएँगे, DSCP भी चलाएँगे, हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आप अपना SSID चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, यहाँ से SSID को हम वही रहने देते हैं, सिक्योरिटी अभी हम इसके अंदर नन रहने देते हैं, अगर रखना चाहें सिक्योरिटी तो पासवर्ड लगा सकते हैं। अभी मैं इसको ओपन करके चला देता हूँ, नेक्स्ट कर लेते हैं। IP के बारे में पूछ रहा है कि अगर आप IP अपना चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें,
लेकिन नहीं, हम आईपी को यही रहने देते हैं। अगर आपने कोई कस्टम आईपी करना हो तो अपना यहाँ से नेटवर्क कस्टम भी कर सकते हैं। WISP का बेसिक मकसद यही होता है कि इस ऑप्शन के अंदर आप आईपी भी चेंज कर सकते हैं, PPPoE भी डायल कर सकते हैं, DHCP भी लगा सकते हैं, स्टैटिक आईपी भी लगा सकते हैं और अपना नेटवर्क को सेपरेट भी कर सकते हैं, सबनेटिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि डिवाइस जो है वो सेटअप होने के लिए तैयार है, इसको आप सेव करना चाहते हैं। यस, हम इसको सेव कर देते हैं। हाँ जी, 2 मिनट का इसने टाइम मांगा है रिबूटिंग के लिए और परसेंटेज शो कर रहा है, तो हम यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग कर देंगे। तो नाजिर, ये 100% हो चुका है और ये देखें, इसने ऑटोमेटिकली जो है हमारा दोबारा लॉगिन पेज की तरफ ले गया है। अभी क्योंकि हमने पासवर्ड नहीं चेंज किया है इसके एडमिन का, तो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, तो एडमिन ही हम लगाएंगे दोबारा इसको पासवर्ड और हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो जी, हमें ये स्टेटस शो कर रहा है, आप ये देख सकते हैं कि इसने जो है 900 Mbps उठा ली है और स्टेटस यहाँ पे आ रहा है जी, कनेक्टिंग है, DHCP IP इसने जी हम ले लिया है। और ये देखिए, सिग्नल स्ट्रेंथ हमें बता रहा है, जो कनेक्शन हमने इसके साथ इसको WISP मोड पे बनाया है, सेट किया है, उसका RX TX का भी हमें बता रहा है, ग्राफिकली भी बता रहा है हमें, अपस्ट्रीम भी बता रहा है और इंटरफेस की जो है वो स्टेटस भी बता रहा है पैकेट्स की, और ARP जो बनी हुई है जो हमारे कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है वो भी बता रहा है हमें, ब्रिजिंग भी बता रहा है। और अब हम जो है ना इसका मज़ीद जो है ना नेट पास उसमें हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, वैन का IP हमें मिल चुका है। अब कमांड प्रॉम्प्ट अपना खोल लेते हैं और इसमें हम पिंग की कमांड लगा लेते हैं, एक गूगल को हम पिंग कर लेते हैं सर्वर को, और -T। तो ये देखें नाज़रीन, हमारा इसमें नेट पास होना शुरू हो चुका है। तो मज़ीद हम इसमें जो है ना IP वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर मैक को भी चेंज कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। वायरलेस सेटअप में अगर आ जाएं तो आप यहाँ से जो है ना इसके रीजन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो भी ट्रांसमिशन सेटिंग है इसकी DBM है वो भी आप सेटिंग कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं तो वायरलेस की मज़ीद एडवांस सेटिंग भी इसके अंदर, एक्सेस कंट्रोल भी आप लगा सकते हैं, मैक फिल्टरिंग इसके अंदर आप लगा सकते हैं। मज़ीद आप एडवांस सेटिंग में चले जाते हैं तो यहाँ पर आप पोर्ट की स्पीड को भी मैनेज कर सकते हैं, लैन की पोर्ट को भी मैनेज कर सकते हैं, बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने यूज़र के हिसाब से, IP के हिसाब से जो है ना आप इसमें बैंडविड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, मैक फिल्टरिंग कर सकते हैं जी, और नेटवर्क सर्विसेज जो हैं वो DNS आप अगर कस्टम लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ओवरऑल मैंने आपको इसका बता दिया, जो बेसिक फीचर्स थे वो यही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है। जैसे कि आपने देखा, नेट भी हमारा पास थ्रू हो गया है और भी बाकी फीचर्स हैं। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद कोई मालूम जाननी है तो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये बाय करना है तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट मौजूद हैं। जिस तरह पहले आप मोहब्बत और प्यार का इजहार करते रहते हैं, लाइक शेयर करते रहते हैं, इस तरह आप लाइक शेयर करते रहें और हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहेंगे। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।